तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में आया एंड अब वो नहीं है एंड यू मिस दैम टेरेबली मतलब दिन रात बस उसी के बारे में सोचते रहते हो एंड नाव यू आर स्ट्रगलिंग टू मूव ऑन किसी काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो बार बार उसी की याद आती है दे मेक श्योर दट यू वॉज दिस वीडियो टिल दी एंड मैंने लास्ट एक वीडियो डाला था जहाँ पे किसी ने कॉमेंट किया था कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ मुझे डिस्ट्रैक्टेड फील होता है बार बार उसी की याद आ रही है एंड आई एम अनएल टू मूव ऑन सो दिस इज द वीडियो दैट यू नीड टू वॉच राइट नाव मेक शोर दट यू वॉज दिस वीडियो टिल दी एंड आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू प्रैक्टिकल टिप्स ऑन हाउ यू कैन मूव ऑन फ्राम अ पसन हाव यू कैन मूव ऑन फ्रॉम

तो uh, मैं सब्जी वाले के पास गई और मैंने सब्जी वाले से बोला कि मुझे uh, क्रोसिन दो दवाई दो और सब्जी वाले ने मना कर दिया मैंने कहा यार ऐसे कैसे मना कर सकता है यार मतलब दवाई दो मैं उसे झगड़ने लगी और वो मेरे से झगड़ रहा है कि यार मेरे पास नहीं है क्रोसिन आप uh, मेरे से क्यों मांग रहे हो मैंने कहा नहीं आपके पास होनी चाहिए दो मुझे दवाई और मैं उससे झगड़ रही हूँ वो मेरे से झगड़ रहा है अब मुझे बताओ कि इसमें गलती किसकी है गलती मेरी है कि मैं उस सब्जी वाले से दवाई मांग रही हूँ या गलती उस सब्जी वाले की है जो मुझे दवाई नहीं दे रहा है ऑब्वियसली मेरी राइट कि uh, मैं गलत इंसान से सही चीज़ मांग रही हूँ मैं गलत इंसान सब्जी वाले को बोल रही हूँ कि मुझे दवाई दो अब आप ही बताओ कि सब्जी वाला मुझे दवाई कैसे देगा डू यू रियलाइज कि हम लाइफ में भी कुछ ऐसे ही करते हैं हम uh, गलत लोगों से कमिटमेंट uh, मांगते हैं या फिर यू नो अटेंशन मांगते हैं केयर लव ये सारी चीजें मांगते हैं नॉट रियलाइजिंग कि उनके पास वो चीज़ है ही नहीं जो हम मांग रहे हैं उनके पास uh, वो है ही नहीं देने दे दे के लिए हाउ विल दे बी एबल टू गिव यू दैट यू नो सो एक चीज समझो कि एक्सेप्ट कर लो कि गलत लोगों से सही चीजें मांगना बंद करो सबसे पहले तो हमें लगता है कि सिर्फ हमें वो चाहिए इसलिए वो इंसान वो चीज पूरी करेगा इसलिए इंसान वो हमारी नीड पूरी करेगा एंड उस लूप में हम फंसे जाते हैं और सामने वाले इंसान को पड़ी भी नहीं होती ये सामने वाला इंसान डवन केयर तो सबसे पहले तो मेचोर हो जाओ ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि वो इंसान था और वो इंसान नहीं है और अब आपकी लाइफ में बहुत लोग आएंगे बहुत लोग जाएंगे और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे तो ये चीज़ समझो कि आपने किसी को खरीद नहीं लिया है यू डोंट ओन एनी वन ऐसा नहीं है कि जब आप चाहोगे वह इंसान आपके साथ रहेगा जब आप चाहोगे वो इंसान आपके पास रहेगा दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर एनी पर्सन वो सामने वाला इंसान उसके हिसाब से करेगा ही हैज ही और शी इट इज़ दे हैव देयर ओन नीड्स दे हैव देयर ओन इंटेंशन विध यू तो प्लीज़ एक्सेप्ट कियर ऐसा नहीं है कि तुम किसी को ओन करते हो तो जब ना लोगों को ऐसे पकड़ के मतलब अपनी लाइफ में ऐसे कि यार नहीं वो रहना चाहिए वो इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? है तो रहना ही नहीं चाहता और अब प्रॉब्लम यह है कि आप उस इंसान को भूलना चाहते हो बट आपका दिमाग एक मेमोरी कार्ड तो नहीं है कि आपने ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबाया और आप बस भूल जाओगे यार इंसान है दिल है आपके पास इमोशंस होते हैं आपके पास सो आई नो इट टाइम टू मूव ऑन बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल हमें कभी कभी लगता है ना कि सिंस सामने वाला इंसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम भी शायद उसकी लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ सुनो भाई नहीं हो तुम तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको तुम्हारी पड़ी अगर पड़ी होती ना तो वो तुम्हें ऐसा फील ही नहीं करवाता या करवाती हुआ एवर इट इज सो प्लीज मेक श्योर कि uh, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व मत होते रहो हो, ज्यादा अपने आप को इमोशनली ड्रेन मत करो अगर रोना है ना तो रो लो एक दिन बैठो एक दिन डिसाइड करो कि आज के दिन बस उसी की याद में रोके बट प्लीज मेक श्योर कि बस वो एक दिन हो जाए ना उसके बाद वापस यू डोंट क्राई ओवर द सेम पर्सन डोंट क्राई ओवर दैट सेम अटैचमेंट बिकॉज इससे ना तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम्हारी एफिशियंसी खराब कर रहे हो थिंक अबाउट ऑल द गुड दैट विद दैट पर्सन यार, कुछ तो अच्छी मेमोरीज होगी चार लोगों के सामने आप उसकी बुराई करो उसकी बिचिंग करो उसको मिलकर गाली दो दैट इज नॉट गोइंग टू यू नो देट काज शोज दट वर्सन यू आर तो किसी के सामने वैसा किया जस्ट थिंक अबाउट ऑल द गुड एक्सेप्ट अब वो नहीं है मैच और हो जाओ थोड़ा सा uh, संभाल लो अपने आपको इस टाइम पे आई नो इट इज डिफिकल्ट टू मूव ऑन बट ट्रस्ट मी वंस यू डू दैट यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल देर इज

वेरी डिफिकल्ट कि कोई इंसान के साथ आपने इतनी अच्छी मेमोरीज बनाई इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया अब आप उसको इग्नोर करना पड़ रहा है दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बट आई थिंक दैट इज वॉट इज नेसेसरी एक होती है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और एक होती है मेचोरिटी ये चीज आपको समझ जाएगी जब आप हैप्पीनेस छोड़ के जब मेचोरिटी चूज करोगे ना उस दिन समझ आना देट यू ग्रोन Keep yourself सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड फोकस ऑन योर वर्क भाई तुम्हें उसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या अगर किसी इंसान को आपके टाइम की कदर नहीं है आपके एफर्ट्स की कदर नहीं है ही टेक्स ही और शी टेक्स यू फॉर ग्रांटेड जब मर्जी आपको कॉल करता है जब मर्जी आपको टेक्स करेगा जब मर्जी आपको सीन पे छोड़ देगा तो भाई क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो याद है वो दिन जब आपने बड़े बड़े सपने देखे थे ये सोचा था कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा मैं ये चीज़ अचीव तो वो एक चीज याद रखो कि बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस लगते हैं। आपके पेरेंट्स को देखो कभी कि दिन रात आपके लिए कितना प्रे करते हैं कितनी मेहनत करते हैं उनकी हर प्रेयर में आपका नाम होगा मैंने ये लाइन बहुत पहले सुनी थी एंड दैट लाइन हिट मी एंड दैट लाइन वॉज यू आर योर पेरेंट्स लास्ट होप ऐसा बहुत होगा कि कोई सपने आपके पेरेंट्स ने देखे हैं और वो नहीं कर पाए अब वो आपकी जिम्मेदारी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको पूरा करो एंड मेक देम फील प्राउड तो भले ही अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट उनके लिए तो यार आर जिस गेट ओवर दैट पर्सन टाइम इज़ वेरी लिमिटेड अगर ये सारी चीज़ों में लगा दिया ना तो भाई वो चीज़ें जो एक्चुअल में लाइफ में करना चाहते हो ना वो

कैसी भी हो इट विल फाइंड यू इट विल कम टू यू बट अगर कोई चीज़ कोई इंसान आपके लिए नहीं बनाए ना तो वो आके भी चला जाएगा तो किसी को आधा पाने से अच्छा है उसे पूरा खो दो आई नो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट मतलब मूव ऑन करना किसी इंसान को भूलना बोलना बहुत ईजी है बट करना एक्शन में प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट ऐसा नहीं कि इट इज़ इम्पॉसिबल रियलाइज़ करो कि यार क्या सही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए भी क्या सही है एंड उस हिसाब से करो आई एम श्योर वी ऑल आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए किस टाइम पे क्या चीज़ सही है क्या चीज़ करना जरूरी है एंड डू दैट अकॉर्डिंगली सो एक्सेप्ट योर इमोशंस डोंट इग्नोर योर फीलिंग्स अंडरस्टैंड दैट सम थिंग्स के नॉट बी चेंज अगर आप पीछे जाके उसको चेंज नहीं कर सकते हो तो उसके बारे में कुछ सोच के भी मतलब नहीं है अब आगे की जिंदगी आपके हाथ में है यू नो वॉट यू कैन चेंज यू नो वॉट यू हैव टू फोकस ऑन और always think about the lesson that person or that relationship taught you rather than uh, focusing on the hate or rather than fo focusing on the things that did not turn out did not uh, you know work out treat yourself with kindness treat yourself with compassion do your favorite thing do your favorite adventure watch that favorite movie eat your favorite food don't hate yourself for being kind to someone for loving someone uh, because trust me you will get it back मे बी इन सम अदर फॉर्म बट डेफिनेटली आपको वो प्यार, वो अटेंशन जो आप डिजर्व करते हो आपको जरूर लौट के मिलेगा एंड सेट बाउंड्रीज विथ पीपल मेक श्योर करो कि अगर आपके साथ कोई चीज़ वर्कआउट नहीं की नाउ डोंट पुट योर सेल्फ अगेन इन दैट सिचुएशन कि आप वापस उस लूप में फंसते रहो बी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड वट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड हैज सपोर्टेड पीपल अराउंड यू अगर कोई चीज आपको बॉर्डर करिए मेक श्योर यू टॉक टू समन वेंट आउट योर फीलिंग्स उस फीलिंग को ना सप्रेस करके मत रखो बिकॉज ना वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको

Person or from that relationship, but trust me, once you do that, you will be unstoppable. And uh, I hope you get all the happiness that you deserve, all the love and laughter. And if up video helped this video, please make sure that you like this video and leave a comment. Also, don't forget to subscribe to my YouTube channel in case if you feel that someone is going through a hard phase or someone is uh, finding it difficult to move on, so please uske video zarur share this video. See you in the next video. Until then, take care.